नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक में जो एक और जो है बड़ा जिला जो है आज सामने जो है आया है। तो दोस्तों अगर हम जिले की बात करें तो हमारी राजधानी यानी कि शिमला में भी पेपर लीक का कैंडिडेट जो है सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इस जिले की बात करें तो बहुत ही कम कैंडिडेट थे जिनके 70 प्लस स्कोर थे। तो 70 प्लस स्कोर से जब पूछताछ की तो आप अगर पूरी न्यूज़ यहाँ पे आगे देखें, हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के ऊपर पेपर लीक मामले में नित्य दिन नए खुलासे हो रहे हैं। न्यूज 18 के पुख्ता सूत्रों के अनुसार जिला शिमला में नेपाली मूल एक मजदूर ने भी परीक्षा पास की है। शिमला के चौपाल क्षेत्र में सेब के बगीचों में काम करने वाले इस नेपाली मजदूर ने 6 लाख रुपए में पेपर की सौदा किया है। उधार लेकर मजदूर ने ये पैसे जुटाए और जिनसे उधार लिया उधार देने वालों से भी वादा किया था कि जब नौकरी लग जाएगी फिर धीरे धीरे पैसे लौटाएगा। इस नेपाली मूल के अभ्यर्थी 80 में से 72 नंबर हासिल किए हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पेपर लीक में आ चुका है। तो आप यहां पे देख सकते हैं 80 में से 72 अंक इस अभ्यर्थी ने लिए थे। तो दोस्तों अगर हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बहुत ही कम संख्या में जो है 70 प्लस स्कोर जो यहाँ पे किया था, तो 72 वाला कैंडिडेट सामने आ चुका है जिसने कि पेपर लीक जो है यहाँ पे लिया था, जो कि आपने यहाँ पे बताया था कि 6 लाख रुपए में उसने पेपर यहाँ पे खरीदा था। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस पे शक किस प्रकार से पड़ा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 मिनट के पेपर में 80 सवाल हल करना था और 72 नंबर हासिल करना अपने आप में सवाल तो खड़े कर रहा है। पुलिस अधिकारियों ने की शक की सुई बढ़ती जा रही थी। सूत्रों के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने जब इससे सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर किस जिले से हैं तो इसने अपने जवाब में ऊना जिला बताया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 72 स्कोर करने वाले अभ्यर्थी से पूछा कि जयराम ठाकुर जो कि हमारे सीएम है वह किस जिले से है, तो इन्होंने ऊना से बता दिया। तो राज्यपाल का नाम पूछा तो राजेंद्र प्रसाद बताया। जितने भी सवाल पूछे गए उसने गलत ही बता दी। दोस्तों राज्यपाल इसने राजेंद्र प्रसाद बता दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस किस प्रकार से पूछताछ कर रही है, तो इनको अपने सीएम का भी नहीं पता है कि वो कहाँ से थे। तो दोस्तों अगर हम बात करें शिमला डिस्ट्रिक्ट में कितने कैंडिडेट ने पेपर खरीदा था तो आप यहां पे देख सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि पुलिस पूछताछ में नेपाली मूल के इस अभ्यर्थी ने पेपर की सौदेबाजी की बात कबूल की है। पुलिस पूछताछ में बताया गया कि किसी स्थान पर बुलाया गया था और वहां पर पूरा पेपर दिखाया गया था। इतना ही नहीं, अब तक की तफ्तीश से पता चला है कि शिमला जिले में 6 अभ्यर्थी ने पेपर के लिए सौदेबाजी की बात को कबूल की है। दोस्तों तो आप यहां पे देख सकते हैं शिमला जिले में 6 अभ्यर्थी ऐसे सामने आ चुके हैं जिसने जो है पेपर यहां पे खरीदा है। हालांकि इस मामले पर अब तक शिमला पुलिस ने कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। जिन अभ्यर्थियों से पूछताछ की गई है उन पर निगरानी रखी गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर हम बात करें मंडी डिस्ट्रिक्ट की तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा अपडेट है। तो आप यहां पे देख सकते हैं मंडी में मुर्गा की गाड़ी चलाने वाला टॉपर। इतना ही नहीं, सूत्र जय भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री गृह जिले का जो टॉपर है वो मुर्गों को लेकर जाने वाली गाड़ी चलाता है। सूत्रों के अनुसार पुलिस मुख्यालय में 3 आला अधिकारी पर शक की सुई घूम रही है। इंतजार अब निष्पक्ष जाँच का है। बताते चलें कि मामला हाईकोर्ट भी पहुँच गया है। जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता विनय शर्मा ने हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि मंडी जिले से जो कि मुर्गा सप्लाई करते हैं, मुर्गे जहां पे जो है आप सबको पता होगा कि मुर्गे की जो गाड़ी चलाता है जो कि मुर्गा बेचते हैं उनकी गाड़ी चलाता है, और जहाँ पर इसने 74 स्कोर यहाँ पर हासिल किया। मंडी डिस्ट्रिक्ट का ये टॉपर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मंडी जिले में मुर्गा बेचने वाला यहाँ पर टॉपर बन चुका है जो कि मुर्गा यहाँ पर गाड़ी चलाता है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट मैंने अभी आपको दे दी है कि शिमला और मंडी की। तो ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपका भी अभी रिटर्न एग्ज़ाम होना तो 5 जून को आप तैयार हो जाइए, क्योंकि 99% यहाँ पे चांसेस है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 जून को हो जाएगा। क्योंकि आज अखबार में भी आ चुका है कि आपका जो पहले वीक में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो हमारे पास जैसे इसकी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको ज़रूर अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।